बीजेपी के नेता पंगा लेके देख रहे हैं ना, पता लग जाएगा फूट है कि नहीं है। पत्रकारों ने भाजपा नेताओं के बयानों का जिक्र क्या किया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बस्ताड़ा टोल से ताल ठोक दी। अम्बाला से हजारों किसानों का काफिला लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा नेताओं में हिम्मत है तो वो किसानों से पंगा लेकर देख ले, किसानों में फूट है या एकजुटता उन्हें बखूबी समझ आ जाएगा। सरकारी प्रोग्रामों का विरोध, बीजेपी के नेता कहते हैं फूट भी पड़ गई है, तो बीजेपी के नेता पंगा लेके देख रहे हैं ना, पता लग जाएगा फूट है कि नहीं। दरअसल अम्बाला से 4000 गाड़ियों का काफिला लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। चढ़ूनी का काफिला करनाल से बस्ताड़ा टोल पर पहुंचा तो वहां मौजूद किसानों ने चढ़ूनी व अन्य किसानों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसानों का खून अभी गर्म है। देखिए आज अम्बाला से करीब 4000 गड्डी अभी तक शामिल हो चुकी है और बहुत उत्साह है किसानों में, और सुबह से 11 बजे हम वहाँ से चले थे और लगातार रास्ते में बहुत जगह पे स्वागत हुआ है। यहाँ करनाल वाले भाइयों ने स्वागत किया है, बहुत जबरदस्त स्वागत किया है। तो ये जो है सरकार को हम दिखाना चाहते हैं किसानों का खून अभी गर्म है। हरियाणा सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कल भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ना बिगाड़ा जाए। नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास उनका विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी हम संयम बरत रहे हैं, निजी जहां वो काम होगा वहां विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी प्रोग्रामों का विरोध। बीजेपी के नेता कहते हैं फूट भी पड़ गई है, तो बीजेपी के नेता पंगा लेके देख रहे हैं ना, पता लग जाएगा फूट है कि नहीं है। तो लगता है आगे बातचीत होगी आने वाले समय में, ये कोई परमात्मा जाने, हमारा हमें कोई बुलाएगा तो बात के लिए जरूर। बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 6 महीनों से किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ झेलने को तैयार किसान किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे लेने को राजी नहीं है, और वही सरकार भी पूरी तरह से अड़ गई है। ऐसे में किसानों की ये लड़ाई कब तक चलेगी और इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं बता सकता। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।